लेट्स टॉक अबाउट द नॉमन क्लेचर ऑफ़ द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उसको हमने नेम किस तरह करना है सबसे पहले एक प्रेफिक्स होगा और फिर उसके साथ मेन नेम होगा उसका जो प्रेफिक्स होगा वो डिफरेंट रूल्स पे डिपेंडेंट है सबसे पहले हमने देखना है कि किस तरह का हाइट्रो एटम प्रेजेंट है कौन सा हाइट्रो एटम है अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सा होगा प्रेफिक्स यूज़ सल्फर है तो ताया होगा यूज़ नाइट्रोजन है तो एजा होगा यूज़ दिस डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द एटम दैट इज प्रेजेंट इन दैट्रोसाइकलिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल ये एक थ्री मेंबर्ड साइक्लो कंपाउंड है हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें सल्फर प्रेजेंट है अब इसकी नेमिंग होगी सल्फर के लिहाज से तो दैट इज़ थाया थाइरेइन इज द नेम ऑफ दिस हैटरोक्लिक कम्पाउंड सेकेंड इट डिपेंड्स कि हमारे पास एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं कितने हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हैं दैट मीन्स कि हमें अकॉर्डिंगली नेम करना होगा उसके सो इट द प्रिफिक्स दैट वी विल यूज आर डाई ऑक्सा द दैट विल कंटेन टू ऑक्सीजन एटम्स अगर तीन नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे एट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में तो उसको हम ट्राई एजा यूज़ करेंगे दो ऑक्सीजन एटम्स होंगे तो डाई ऑक्सा यूज करेंगे उसके बाद अगर हम देखें मल्टीपल हेटरो एटम्स इन द सेम मॉलिक्यूल मतलब एक हाइट्रोसाइक कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है अब हमने किसको प्रायोरिटाइज करना है तो प्रेफरेंस दी जाएगी सबसे पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन को देन सल्फर देन नाइट्रोजन सो जो प्रीफिक्स हमारा बनेगा दैट विल बी ऑक्सा देन थाया देन एजा अगर तीनों प्रेजेंट है एक ही हाइड्रोसाइक कंपाउंड में अगर एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको हम इस तरह नेम करेंगे पहले ऑक्सा यूज होगा देन एजो। ये तो बात हो गई प्रिफिक्सिस की उसके बाद एक और रूल जो प्रिफिक्सिस के लिए ही यूज किया जाता है या सब्सिट्यूशन के लिए अगर हम बात कर लें यूज किया जाता है दैट इज पार्शियली सैचुरेटेड रिंग्स पार्शियली सैचुरेटेड रिंग्स मतलब क्या है नाम से रहा है अब फ्यूरन जो है दैट इज़ अ अनसेचूरेटेड फाइव मेम्बर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग हेट्रो कंपाउंड अगर हम इसके एक बॉन्ड को सेचूरेट कर दें उस पर हाइड्रोजन अटैच करवा दें तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा मतलब उसकी अन कम हो कम हो गई या वो पार्शली सेचूरेट हो गया तो जब ये कन्वर्ट होगा फोर फाइव डाई में एक बॉन्ड कम हो जाएगा इसका तो हम इसको कहेंगे ये पार्शली हेट्रो कंपाउंड हो गया इसकी हमने नेमिंग किस तरह करनी है अब यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है सेचुरेशन सा, सा, करवाई है तो इसपे आके हाइड्रोजन अटैच हो गया है दोनों जब बॉन्ड खत्म हुआ तो हाइड्रोजन आके अटैच हो गया दोनों एंड कार्बन्स पे जब वो अटैच हो गया तो उसके हिसाब से हम उसको नेमिंग कर रहे हैं उसकी तो इसके हिसाब से नेमिंग होगी डाई हाइड्रो अगर दो हाइड्रोजन आके अटैच हुए हैं कंपाउंड पे टेट्राहाइड्रो अगर चार हाइड्रोजन आके अटैच हुए हैं एंड सेचुरेशन को खत्म करने के रिजल्ट में सेचूरेट करने के रिजल्ट में तो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन इज ऑलवेज नंबर वन वन टू थ्री फोर एंड फाइव सो दिस इज फोर फाइव डाईहाइड्रो क्योंकि दो हाइड्रोजन अटैच हुए फ्यूराइन बिकॉज उसका ओरिजिनल जो नेम है वो फ्यूराइन था नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द पोजिशन ऑफ हेट्रो आइटम्स या पोजिशन एक्स्ट्रा पोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आइटम्स या सब्सिट्यूएंट्स तो उनकी किस तरह नेमिंग होगी दोज आर डोनेटेड बाय अरेबिक न्यूमरल्स मतलब कि जो भी सब्सटिट्यूंट्स होंगे जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड्स अटैच हो रहे होंगे एज अ सब्सटिट्यूएंट या जो हैट्रो एटम्स होंगे उनको हम एज अ अरेबिक न्यूमर डिनोट करेंगे फॉर एग्जाम्पल अच्छा ऑक्सीजन है तो यहाँ से नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी वन टू थ्री फोर फाइव वही हमने देखा कि नंबरिंग इसमें यहां पर भी वन से स्टार्ट हो रही है तो वन टू थ्री फोर फाइव फोर फाइव डाई हमने पहले भी देखा दिस इज फ्यूराइन दिस इज फोर फाइव डाई तो नंबरिंग दोनों में स्टार्ट ऑक्सीजन से हुए दैट इज ऑलवेज नोन एज द नंबर वन हाइड्रो एटम इज असाइंड द लोएस्ट पॉसिबल नंबर इसको हमने लोएस्ट देना है तो ऑब्वियसली अगर हम उसे स्टार्ट करेंगे अगर हम उसको हमेशा वन कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको हमेशा लोएस्ट ही मिलेगा एक और एग्जाम्पल देखें टू टू टाई मिथैल था इसको न, नेमिंग कैसे की गई है एक तो सल्फर है उसको थाया यूज किया गया है एज अ प्रीफिक्स सल्फर इज ऑलवेज नंबर वन जब सल्फर नंबर वन हो गया तो दिस इज वन सब्सटीट्यूएंट जिसपे अटैच है वन टू थ्री फोर अब दिस इज अल दिस इज अ सेकंड मिथाइल टू टू डाई मिथाइल इस तरह सब्सटीट्यूंट के लिहाज से इसको नेमिंग की गई है उसकी और सल्फर इज ऑलवेज नंबर वन हाइड्रो आइटम जो है वो हमेशा नंबर वन यूज़ होगा सब्सटीट्यूंट फिर उसके बाद प्रेफर किए जाएंगे यहाँ पे मल्टीपल नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो अगर दो नाइट्रोजन एक आइटम में प्रेजेंट हैं तो जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं है उसको हम प्रेफर करेंगे या डबल बॉन्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर डबल बॉन्ड नहीं होगा उसके साथ कोई हाइड्रोजन अटैच होगा या कोई सब्सटीट्यूंट अटैच होगा तो जिसके साथ सब्सटीट्यूंट है उसको हम प्रेफर करेंगे एज़ कंपेयर टू दैट जिसके ऊपर डबल बॉन्ड है मतलब डबल बॉन्ड को हमने प्रेफर नहीं करना अगर दो नाइट्रोजन एक ही हाइट्रोसाइकिलिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो जिस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं है उसको हम प्रेफर करेंगे या जिस इस तरह इसको इसलिए इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है उसको हम प्रेफर नहीं करेंगे या जिस नाइट्रोजन के साथ सब्स्टिट्यूंट लगा हुआ है उसको हम प्रेफर करेंगे एडेनिन की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ये जो नाइट्रोजन है इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं है इसके साथ इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है तो इसको प्रेफर करेंगे हम इन नेमिंग कंपाउंड्स विद मैक्सिमम अनसेचुरेशन वो हाइड्रोसाइकलिक कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं उसको हम किस तरह नेम करेंगे जो जिसके साथ सब्सटीट्यूट अटैच है उसको हम ऑलवेज प्रेफर करेंगे या जिसके साथ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन अटैच है मतलब डबल बॉन्ड को हम इधर भी प्रेफर नहीं कर रहे नॉन मल्टीपली बॉन्डेड या एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कैटेग दोनों एक ही बात है क्योंकि जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा तो ऑबियसली अनसेचुलेशन को एकोमोडेट uh, करने के लिए हाइड्रोजन अटैच होगा तो जिसके साथ सब्स्टिट्यूट अटैच है उसको हम यहाँ भी प्रेफर कर रहे हैं और यहाँ भी प्रेफर कर रहे हैं दैट इज़ इट अबाउट द नॉमन क्लेचर ऑफ द हेट्रोसाइक्लिक कम्पाउंडस